मेरे चैनल के सारे दर्शकों और मेरे प्यारे दोस्तों, मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप सब लोग बहुत 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 अच्छे से रहो, अपनों के साथ रहो, अपनों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करो और मेरे चैनल को साथ साथ ज़्यादा देखते रहो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। दोस्तों, ये वीडियो कुछ दिन पहले का है और हम तब कुछ शॉपिंग कर रहे थे घर में स्टोर करने के लिए। हमने ज़्यादा कुछ नहीं किया, वन एंड हाफ मंथ जो घर में राशन चाहिए वो ही स्टोर किया। कुछ लोग देख रहे हैं कि पूरे साल भर के लिए या उससे ज़्यादा जितना उन लोगों से हो पा रहा है वो लोग घर में स्टोर कर रहे हैं। दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए, ऐसा ज़्यादा लोग नहीं है जो ये सब कर रहे हैं, कुछ ही गिने गुने कुछ लोग हैं। तो आप लोग सब इसको पर्सनली मत लेना। मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हम अकेले तो नहीं जी सकते हैं ना, हमें पड़ोसी चाहिए, नेबर चाहिए, फ्रेंड्स चाहिए, क्योंकि हमें किसी की बुराई भी करना अच्छा लगता है, गॉसिप करना अच्छा लगता है, दूसरों के बारे में बोलना अच्छा लगता है, दूसरों की चेतनी करने में अच्छा लगता है। लोग तो चाहिए ना। आप सोचो कि आप अकेले और कोई नहीं आसपास तो कैसे लगेगा। अभी आप लोग सोचो, घर में बंद हो, दूसरों के घर नहीं जा पा रहे हो, दूसरों के साथ बात नहीं कर पा रहे हो, गेट टुगेदर नहीं कर पा रहे हो, वो पार्टीज नहीं हो रहे, तो कितना बोर लग रहा है। तो दूसरों के लिए भी शॉप्स में कुछ बचे रहना चाहिए। मैं उन लोगों के लिए बोल रही हूँ जो सारे स्टोर को हो सके तो घर में लेना पसंद करेंगे, क्योंकि दूसरों को जीने देना चाहिए और खुद भी अच्छे से जी पाए ऐसा काम करना चाहिए। हमें अभी मुझे लग रहा है ये जो सिचुएशन आया है पूरे वर्ल्ड पे, आप हम लोग फेस कर रहे हैं, तो हमें ऐसा ही लग रहा है कि ये हमें कुछ सिखाना चाहते हैं कि जियो और जीने दो, दुनिया में कुछ भी नहीं है, कितने टाइम हम जिएंगे, कितने कल क्या होगा, नेक्स्ट टाइम हम लोगों के साथ क्या होने वाले हैं, हमें कुछ भी नहीं पता। तो बस भरोसा है कि हम कुछ अच्छे करें तो हम इतना तो प्रे कर सकते हैं, जो जिस भगवान पे विश्वास करते हैं भगवान के सामने प्रे कर सकते हैं कि हमने तो कुछ इतना बुरा भी नहीं किया। तो चलो आप भी हमारे साथ बुरा मत करो प्लीज़ गॉड, ये दुआई तो हम दे ही सकते हैं। और ये वीडियो मैंने लेट नाइट बनाई, हम दो बजे शॉप में निकले, फिर शॉपिंग करके घर आते आते 4 बज गए, क्योंकि हम वो भीड़ अवॉइड करें, जो को संभालने का बहुत मुश्किल है, वो कुछ भी पकड़ लेती है क्या, वो पकड़ ही लेती है, उसको पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तो वो अभी घर से बाहर, तब मैं जब वीडियो बना रही थी तब वो घर से कम निकलती थी, तो जब निकलती थी वो भागती थी। तो हमने सोचा कि जब लोग कम होएगा तो हम तब जाएंगे। तो हम एक अलमोदीना स्टोर पे गए, ये अभी के लिए 24 आवर्स ओपन है कि लोग एक साथ भीड़ मत करें, इसलिए तो हम वहीं पे गए, हमारे घर से थोड़ा दूर है। तो हमने सोचा कि इस टाइम पे जाएंगे तो जो सो जाएगी, लेकिन वो बाहर जाती और भी एक्टिव हो गई। तो हमने डिसाइड किया कि हम एक उसको संभालेंगे और एक शॉपिंग करेंगे, सांबर मसाला। और मैं वीडियो बना रही थी कि मैं बाद में एडिट करूँ और अपलोड करूँ, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कुछ दिनों तक बाहर नहीं जा पाऊँगी, मेरे पास कोई काम नहीं रहेगा, मैं घर पर बोर हो जाऊँगी। तो मैं कुछ वीडियो ऐसे बना के रखी थी जो मैं धीरे धीरे अपलोड कर रही हूँ, और मैं सोच रही हूँ कि दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो इस टफ हालत में बिना खाए पिए गुजारा कर रहे हैं। हम तो सिर्फ घर में बैठे बोर हो रहे हैं, लेकिन वो लोग घर में बैठे सोच रहे हैं कि नेक्स्ट टाइम क्या खाएंगे, खाना मिलेगी या ना मिलेगी, कितने दिन तक ऐसे जी पाएंगे। तो फ्रेंड्स, मैं रिक्वेस्ट नहीं कर रही हूँ, आप लोगों की चॉइस है। अगर आप अपने खुद के एरिया में भी ऐसे एक दो फैमिली को हेल्प कर पाए तो आप लोग देखेंगे अंदर से कितना, मतलब ये फीलिंग्स आप शेयर नहीं कर पाएंगे, मैं भी आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाऊँगी कि ये कैसा फीलिंग्स है। आप लोग अगर
करो तो ही आप लोगों को पता चलेगा वो फीलिंग्स फील करने के लिए। आप भी अगर आप लोग करके देखो तो देख सकते हो वो फीलिंग्स बहुत बढ़िया है। और ब्लेसिंग्स तो अलग से मिलेंगी, वो आपको बोलने की ज़रूरत नहीं। हर इंसान को लाइफ के किसी ना किसी मोड पे हेल्प चाहिए। हेल्प के बिना कोई भी नहीं जी सकता। जिनके पास बहुत सारे पैसे हैं उनको भी हेल्प चाहिए, पैसा नहीं किसी और चीज़ की हेल्प चाहिए। तो अभी टाइम है कि हमें भी कुछ करना चाहिए अपने जो ऐसे लोग हैं उन लोगों के लिए। तो मैं उन लोगों की बात बोल रही हूँ ना, मैंने अंदर से रोना आ रही है क्यों पता नहीं। मैं घर में बैठे वीडियोस देखती रहती हूँ पूरा दिन कि लोग कैसे बिना खाए भी गुजारा करें। मैं वही सोच रही हूँ गवर्नमेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हेल्प करे। और जितना भी बोलूँ गवर्नमेंट तो जितना भी ट्राई करे कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। तो हम भी कुछ करें तो वो अलग से। हम शॉप की बैक साइड से एंट्री किए थे तो यहाँ पे लिखा है एक साथ ज़्यादा परचेस नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में।